गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ जाहिद और आप देख रहे हैं जरिए रिएक्शन। सो गाइज आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि KRK ने टिकटॉकर को रोस्ट मार दिया है और इतना खतरनाक रोस्ट करा है कि मतलब अतड़िया वतड़िया सब बाहर निकाल दिया उसने, तो इतना गंदा रोस्ट मारा है। सो गाइज इसका टाइटल भी बहुत ही फाड़ू लिखा है उन्होंने, पोल कॉल ऑफ टिकटॉक सुपर स्टार। सो गाइज पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे। सो हियर वी गो दोस्तों, मैंने पिछले 15-20 दिन में टिकटॉक पर कुछ ऐसे वेरीफाइड अकाउंट देखे जिसने फाड़ के रख दिए भाई टिकटॉकर, जिनको देखकर मुझे गश आ गया भाई, मेरा सर भन्ना गया। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि कलयुग में क्या क्या हो सकता है, और इसीलिए मैं एक और वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया हूं, क्योंकि इनके फॉलोअर्स देखकर मेरी समझ काम नहीं कर रही है कि ये कौन लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको एक टिकटॉक की सुपरस्टार से मिलवाता हूं, इनका नाम है ब्यूटी खान। हम लड़कियां चाहती क्या है? बस बॉयफ्रेंड का क्रेडिट कार्ड। वैलेंटाइन का विलोम शब्द है, वैलेंटाइन में लोग चिपक के बैठते हैं और क्वारंटाइन में दूर दूर। आपने देखा? देखा भाई देखा। इनको अगर आप पर्सनली मिल लें तो फिर आपको लड़की नाम से नफरत हो जाएगी, फिर आप जिंदगी में कभी किसी लड़की से मिलना नहीं चाहोगे। इस लड़की के 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हो सकते हैं, और आप यकीन करें इसकी एक एक वीडियो पर 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन लाइक्स आते हैं। अब अगर ये लड़की अपने आप को कैटरीना से बड़ी सुपरस्टार ना समझे तो क्या समझे? मैं टिकटॉक के एक और सुपरस्टार से मिलवाता हूं, इनका नाम है रियाज, एकदम मीठे दिखते हैं। अपन किधर जा रहे जानू? लॉन्ग ड्राइव पे। वाओ, पहले काय को नहीं बोले मेरे को? मेको खुद अब मालूम पड़ा। आपने देखा कितने चिकने हैं? अगर किसी पठान को ये नजर आ जाए तो वो इनको घर ले जाएगा और एक हफ्ते तक छोड़ेगा नहीं। हिंदुस्तान में इस मीठे के सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं, 42 मिलियन, मतलब शाहरुख खान सलमान खान के भी नहीं है, और इसके एक एक वीडियो पे 9 मिलियन, 10 मिलियन, 11 मिलियन लाइक्स आते हैं। ये बेचारा अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार ना समझे तो क्या करे? और आप यकीन करें, कोई डायरेक्टर इसको हीरो के बराबर में भी खड़ा करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये बेचारा अगर लड़के के बजाय लड़की का रोल प्ले करेगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा। चलो अब मैं एक और सुपरस्टार से मिलवाता हूं आपको, ये है फैसू। इनका एक अकाउंट सस्पेंड हो गया था और इन्होंने कुछ महीने पहले ही एक दूसरा अकाउंट बनाया था। यह भी लड़का कम लड़की ज्यादा लगता है, एकदम मीठा लगता है, और आप यकीन करें इसके कुछ ही महीनों में 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आप इसकी एक्टिंग देखिए। गाइस मैं आसमान में हूँ 669 किलोमीटर ऊपर और मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। ओ खुदा, क्यों अभी परेशान है? क्या टेक्नोलॉजी है देखो डॉक्टर साहब, बीवी मेरी हॉस्पिटल में है, बच्चा घर में पैदा हुआ है। और कसम से ये अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार समझता है। जब ये कहीं आता है ना तो ऐसे अकड़ कर चलता है जैसे खजूर पर चढ़ी हुई बेल। अच्छा, एक और बहुत बढ़िया काम किया है इन टिकटॉकर्स ने, इन्होंने अपनी पहचान खुद ही बना ली है। अगर कहीं दूर से आता हुआ नजर आ जाए तो आदमी फौरन पहचान लेता है कि लुक्खा टिकटॉकर है। बाल नीले पीले, बालों की एक पहाड़ी इस तरफ दूसरी पहाड़ी इस तरफ, ये बहुत लाल पीले जूते, लाल पीली ड्रेसें, कानों में झुमके बालियां, होठों पे लाली, मतलब गैस करने की जरूरत ही नहीं है, आप फौरन गारंटी से कह सकते हो कि ये लुक्खा टिकटॉकर है। इनका नाम है आमिर सिद्दीकी। गाल तेरे टमाटर की तरह और होठ तेरे भिंडी की तरह, हे भगवान एक दोस्त इसके बाद वो भी सब्जी मंडी की तरह। अगर कोई बच्चा इनको देख ले तो 4 दिन बच्चा रोता रहे, अगर कोई भूत इनको देख ले तो भूत को खुद पे शक होने लगे कि भूत वो है या ये है। बट हमारी जनता को, पब्लिक को ये लोग पसंद है और इनको मिलियंस में फॉलो करते हैं। चलो मैं आपको एक और सुपरस्टार से मिलवाता हूं, इनका नाम है याशी टैंक। आप देखिए,
लिया। पहली बार सुन रहा हूँ इसके बारे में भाई। ऐसा जाएगा बताऊंगा कब जेब भी खाली होगी। अच्छा मेरी समझ में नहीं आया कि इन्होंने अपना नाम सिर्फ टैंक क्यों रखा, सीधा नदी या समंदर रख देती। अब इनको देखकर अगर आप सकते में आ जाए कि ये आपने क्या देख लिया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। पता है आपको इनको कितने लोग फॉलो करते हैं? 20 मिलियन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पब्लिक लाइफ में कितनी ज्यादा दुखी है। चलो खैर मैं अगली सुपरस्टार दिखाता हूँ। इनका नाम है अरिष्का खान। बहुत याद आ रही है यार। किसकी? बस वही तो याद नहीं आ रहा है। अरे यार हद दे। आपने देख ही लिया, इनकी हाइट तकरीबन 3.5 फीट है और वेट तकरीबन 35 किलो। और पता है इनको कितने लोग फॉलो करते हैं? सुन के चक्कर आ जाएगा आपको, आना चाहिए। 30 मिलियन। अब मैं उन 30 मिलियन लोगों के दिमाग के अंदर जाना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि वो इन मैडम को क्यों फॉलो कर रहे हैं। उनकी लाइफ में ऐसा क्या दुख है, उनकी लाइफ में ऐसी क्या तकलीफ है, वो इतने डेस्परेट क्यों है कि उनको इन मैडम को फॉलो करना पड़ रहा है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि प्रिंस नरूला के 2 मिलियन फॉलोवर हैं, सना खान के 2 मिलियन फॉलोवर हैं, हिना खान के 2 मिलियन फॉलोवर हैं। तो इनके फॉलोवर्स देख के और इनके फॉलोवर्स देखकर मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर लोग चाहते क्या हैं कि उनको सुंदर खूबसूरत फेमस लोगों को फॉलो नहीं करना है। उनको ऐसे लोगों को फॉलो करना है जिनको देखते ही हंसी छूट जाए, जिनको देखकर वो प्राउड फील कर सके कि यार इससे अच्छा तो मैं ही दिखता हूं या इससे अच्छी तो मैं ही दिखती हूं। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है इनको फॉलो करने की? एक और बहुत बड़ी सुपरस्टार को देखिए, इनका नाम है आशिका भाटिया। जब देखा ऊ करते रहता तेरी माँ का। देख लिया आपने, अगर गलती से कभी इनके पास से आप निकल गए, इनको आपने पर्सनली देख लिया, तो आप जिंदगी में सिर्फ एक ही दुआ मांगोगे कि ए भगवान, ए अल्लाह, ए खुदा, दोबारा मेरा नसीब ऐसा मत करना कि मैं इनको देख सकूं। तो इन टिकटॉक के सुपरस्टार्स को देखकर मेरी समझ में एक ही बात आई है कि टिकटॉक पर सिर्फ वही फेमस है जो बहुत बुरा दिखता हो, या टिकटॉक पर वो फेमस है जो मीठा दिखता हो। अच्छे सुंदर हैंडसम दिखने वाले लोगों का टिकटॉक पर कोई काम नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लो, शेयर कर लो और वो जो बेल आइकॉन है उसको दबा दो, ताकि जैसे ही मैं रिव्यू डालूं वैसे ही आपकी घंटी बज जाए। टेक केयर। ओ भाई खतरनाक यार, के मतलब अभी के समय में मतलब सबसे जो बंदा सबसे पहले बहुत हेट था, हेट करते थे लोग, उसको अभी इस समय यह हालत है कि के को बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग इनको सब्सक्राइब करा इनके चैनल, और क्योंकि ये बहुत सही चीज़ें बोलने लग गए और आज इन्होंने टिकटॉक को रोस्ट करानी है भाई। टॉस में बहनकर पेल दिया है लपक के और उसको चेम वे में लपेट के तवे पे फ्राई करके और मस्त खा लिया है और ख़तरनाक बारा बजाई है भाई। ना इन्होंने रियाज को छोड़ा, ना फेजू को छोड़ा, ना आशिका को छोड़ा, ना बीटी क्वीन को छोड़ा, और भाई इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये सभी को रोस्ट कर देते आज। बस इनके पास खतरनाक रोस्टिंग पावर है भाई, इनके पास बोलने का बहुत खतरनाक टैलेंट है, ये किसी को नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं भाई, किसी को भी नहीं। सो गाइस ओवरऑल वीडियो बहुत ही शानदार थी, मुझे बहुत पसंद आई और हंस के पेड़ दुख रहा है और बोला भी नहीं जा रहा, इतना हंसी आ रही है अभी भी। सो गाइस मुझे बहुत पसंद आई, होप आपको भी पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।